ധ്രുവീയ ഉപഗ്രഹ പ്രക്ഷേപണ യാൻ പോളർ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ PSLV ആജ് ഭാരത് കാ ഏക് വിശ്വസനീയ പ്രക്ഷേപണ യാൻ ഹൈ. ഇസ്നെ വിഭിന്ന കക്ഷാവോ മേ ഉപഗ്രഹോ കോ സഫലതാപൂർവക് പ്രക്ഷേപിത് കിയാ ഹൈ. പിച്ചലെ 25 സാലോ മേ 52 ഭാരതീയ ഔർ 28 അന്യ ദേശോ കേ 239 ഉപഗ്രഹോ കോ സഫലതാപൂർവക് പ്രക്ഷേപിത് കിയാ ഗയാ ഹൈ. അപ്നി സഫൽ ഉഡാനോ കീ വജഹ സേ PSLV നെ അന്തർരാഷ്ട്രീയ ബാസാർ മേ അപ്നെ ആപ് കോ മുഖ്യ एवं सहयोगी उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए कम लागत वाले प्रक्षेपण यान के रूप में स्थापित कर लिया है. आगामी अभियान में कोर अलोन रूप में PSLV C43 द्वारा 31 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाएगा. इनमें भारत का मुख्य उपग्रह HysIS एवं 30 अंतर्राष्ट्रीय साथी उपग्रह शामिल है. ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, मलेशिया और स्पेन के उपग्रह पहली बार भारत से प्रक्षेपित किए जाएंगे. श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के प्रथम लॉन्च पैड से PSLV C43 उड़ान भरेगा. PSLV चार चरणों वाला यान है जिसमें क्रमानुसार ठोस एवं तरल चरण होते हैं. प्रथम चरण में 139 टन वजनी ठोस ईंधन वाली एक बड़ी रॉकेट मोटर होती है. PSLV के दूसरे चरण में विकास रॉकेट इंजन होता है जिसमें धरती में संग्रह हो सकने वाला 42 टन तरल ईंधन होता है. PSLV के तीसरे चरण में एक ठोस मोटर होती है जिसमें 7.65 टन ठोस ईंधन होता है, जबकि चौथे चरण में दो तरल इंजन होते हैं और इसमें 2.5 टन ईंधन होता है. वर्तमान PSLV C43 अभियान में रॉकेट 6 सॉलिड स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स के बिना उड़ान भरेगा और उपग्रहों को दो अलग अलग कक्षाओं में स्थापित करेगा. इसरो द्वारा विकसित करीब 380 किलोग्राम वजनी हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट HysIS अति आधुनिक भू अवलोकन उपग्रह है. इसे 630 किलोमीटर के ध्रुवीय पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया जाएगा. हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में दिखाई देने वाले इंफ्रारेड एवं शॉर्टवेव क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह का अध्ययन है. HysIS 10 नैनोमीटर के रेजोल्यूशन पर 400 नैनोमीटर से लेकर 2500 नैनोमीटर के रेंज में काम करेगा. यह उपग्रह कृषि, वन्य, मिट्टी के निरीक्षण, भूविज्ञान, समुद्र तटीय अध्ययन, इनलैंड वाटर स्टडीज, पर्यावरण के निरीक्षण, उद्योगों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण की जानकारी एवं अन्य बहुत से कार्यों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा. HysIS के साथ ही उपग्रहों में 8 देशों के 1 माइक्रो और 29 नैनो उपग्रह शामिल है. HysIS के अलग होने के बाद चौथे चरण को पुनः प्रज्वलित कर साथ ही उपग्रहों को 504 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया जाएगा. 29 में से 22 नैनो उपग्रह एवं 1 माइक्रो उपग्रह अमेरिका का है. इसमें 16 फ्लॉक 3R भू अवलोकन उपग्रह और 4 लेमूर उपग्रह है जो वेसल ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से सुसज्जित है. HSAT-1 एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है एवं SSRO-8 पृथ्वी के लगातार दुरावलोकन के लिए सामुदायिक शुरुआत है. पृथ्वी के चित्रीकरण के लिए अमेरिका का माइक्रो सैटेलाइट GLOBAL-1 है. PSLV C43 द्वारा प्रक्षेपित किए जाने वाले अन्य 7 नैनो उपग्रहों में ऑस्ट्रेलिया का सेंचुरी, कनाडा का केपलर, कोलंबिया का फैक्सैट, फिनलैंड का रिएक्टर हेलो वर्ल्ड, मलेशिया का इनोसैट-2, स्पेन का 3CAT-1 एवं नीदरलैंड का हाइबर शामिल है. सभी अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह इसरो की व्यवसायिक शाखा एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा व्यवसायिक रूप से अनुबंधित किए गए हैं. अपने एक और महत्वपूर्ण अभियान को पूरा करने के लिए PSLV C43 अंतरिक्ष में अपनी ऊंची उड़ान के लिए तैयार है.